40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो ही जाता है दुनिया में दो तरह के लोग होते winners and losers. लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती जिसमें वो विनर बन सकता सोलो विटनेस इसलिए तुम हमारा साथ कुंभन गांव जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है ईसा यू नो पेरियत है टीचर इल्ले डॉन आदि यम वार की ये मात दिल चें स्टोरी है நான் இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे बीवी बीमार है अंदर है। क्या हुआ भाभी को वही औरतों वाली, और वाली बीमारी खर्चा इतना तो सिगरेट कितने की दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या देख मौत इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच ये पीने में नहीं है ये देने में हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्मों में से, से एक फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में तो आपने इस फिल्म को कितनी बार देखा है और आपको ये फिल्म कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोनी स्क्रू वाला सिद्धार्थ राय कपूर गौरी खान और करीम मोरानी द्वारा निर्मित है सुभाष की एक कहानी पर आधारित यूनिस सजवाल द्वारा लिखी गई पटकथा और फहद साजिद द्वारा संवाद के साथ लिखे गए हैं फिल्म में शहरुख खान हैं राहुल मिठाईवाला के रूप में एक व्यक्ति जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और दीपिका पाडकोड़ द्वारा अभिनीत एक स्थानीय डान की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा करता है निकतन धेर और सतराज सहायक भूमिकाओं में हैं खान और सेट्टी के बीच यह पहला नियोजित सहयोग था अंगूर का इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट जिसे शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट का रूप को चुना गया था एक व्यवसायिक रोमांस के रूप में आधारित इस फिल्म का मूल शीर्षक रेडी स्टडी पो था फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था क्योंकि शाहरुख खान की अक्सर फिल्म आपने अभी तक देखी होगी तो ओटी में ही सेट होती हैं जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे चेन्नई एक्सप्रेस के लिए साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा संकेतबद्ध किया गया था जिसकी पृष्ठभूमि स्कोर अमर मोहिले द्वारा बनाई गई थी 2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेश के बाद खान के साथ अपनी पहली सक्रिय परियोजना को चिन्हित करते हुए यू मोशन पिक्चर्स निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आए चेन्नई एक्सप्रेस को विदेशी बाज़ारों में 8 अगस्त 2013 को और एक दिन बाद भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म ने घरेलू स्तर पर शुद्ध रूप से एक बिलियन एकत्र करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने थ्री एडियट्स को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई और यह अब तक की इक्कीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी है उनसठवें फेयर पुरस्कारों में चेन्नई एक्सप्रेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार रोहित शेट्टी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दीपिका पाडकोर सहित सात नामांकन प्राप्त हुए थे फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाला एक चालीस वर्षीय अनाथ कुंवरा लड़का है आठ साल की उम्र में अपने दादा दादी द्वारा पाला गया है राहुल के दादा दिसंबर एक व्यापारी हैं जो हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं दिसंबर के सवें जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बमन ने उन्हें गोवा में छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे स्वीकार कर लिया था इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर भिसम्बर की मृत्यु हो जाती है ठीक उसी समय जब वह क्रिकेट मैच में टीवी पर सचिन को निन्यानवे रन पर आउट होते देखते हैं और उनका फेल हो जाता है दिसंबर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि दिसम्बर चाहते थे कि उनकी राख को दो भागों में विभाजित किया जाए एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा हिस्सा रामेश्वरम में वह राहुल को राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर वितर करने के लिए कहते हैं अनिच्छा से वह उनके अनुरोध को स्वीकार करता है लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक होता है राहुल बावी और वामन के साथ अपने दादा की को गोवा में फेंकने की योजना बनाता है लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा वह कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और वामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वह उन्हें लेने के लिए लौटता है तो ट्रेन लगभग छूट जाती है और जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है वह एक युवती को उसमें सवार होने के लिए दौड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चढ़ने में उसकी और चार अन्य लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन छोड़ देती है राहुल उस महिला के साथ छेड़खाने करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर संवाद करना शुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे राहुल ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार देता है ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन से फेंक दिया राहुल नाराज़ है लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि पुरुष हथियार लेकर साथ चल रहे होते हैं राहुल ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे नदी में ढकेल देते हैं घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि चार आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका असली नाम मीना लोलची अजगु अजगुसुंदरम है वह तंगावल्ली नाम के एक बदमाश से जबरन शादी करने से भाग रही थी मीनाम्मा के पिता दुर्गेश्वर यानी दुर्गेश अजगु सुंदरम मिनामा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है तंगावल्ली राहुल को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसे राहुल अनजाने में तमिल में ज्ञान की कमी के कारण स्वीकार कर लेता है ठंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वह श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है पुलिस बल और आतंकवादियों के बीच एक बंदूक की लड़ाई शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में ले लेते हैं वह अपनी कहानी बताता है और कोम्बन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के धरानते चलाने वाले गुंडे से घिर जाता है और राहुल मीनामा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार टूट जाती है तो राहुल और मीनाम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मीनाम्मा के पास लौटता है जो उसे विधवा गांव ले जाते हैं। मीनाम्मा ग्रामीणों को बताती है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण लोग सहमत हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षा और आराम की व्यवस्था करा देते हैं मीनामा को पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है जब राहुल चुपके से भागने की योजना बनाता है तो वह तर्क देती है कि वह ग्रामीणों के अविश्वास को अर्जित नहीं करना चाहती तंग बल्ली राहुल को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं और मीनामा राहुल को दिसंबर की राख को फैलने के लिए राज़ी करते हैं और उनके साथ रामेश्वरम की यात्रा करती है जहां वे संस्कार पूरा करते हैं और वापस आते समय रास्ते में राहुल को पता चलता है कि उसे मीनामा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं वह मीनाम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और मीनाम्मा की इच्छा को समझने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है वह मीनाम्मा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है राहुल तंग बल्ली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया लेकिन विजयी भी हो जाता है दुर्गेश और तंगावली सुधार या स्वीकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की अनुमति देता है इसके बाद राहुल एक संदेश देते हैं कि प्रेम कोई क्षेत्र या भाषाई बाधाओं को नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से उन्नीस की फिल्म अंगूर के रीमक के लिए शाहरुख खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद सेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया था लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस की पटकथा खान के लिए बैकअप के रूप में तैयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्मांकन की तारीखों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी पटकथा पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमिक्स से पहले इसमें अभिनय करने के लिए तैयार हो गए जिससे अंगूर की रीमिक स्थगित किया जाना था सेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोड के साथ एक हार्ड कोर फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में बताती है लगभग सिक्सटी एट मिनट के फोटेज को रिलायंस मीडिया वर्स द्वारा सीजीआई के साथ बढ़ाया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को शुरुआत में खान के लिए वेकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था खान पहले अभिनेता थे जिन्हें स्क्रिप्ट के साथ संपर्क किया गया था और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारती की भूमिका नहीं निभाएंगे मुख्य नायिका का चयन बहुत प्रेस अटकली का विषय था करीना कपूर असिन और दीपिका पाडकोष ने शामिल होने की अफवाह थी लेकिन शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अप्रैल 2012 में कलाकारों को अंतिम रूप दिया जाएगा और वह भूमिकाओं में एक स्थापित अभिनेत्री को लेने जा रहे थे अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी कि दीपिका पाडकोस को खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई खान के साथ पाडकोर की यह दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी महिला दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म में शुरुआत करते हुए खान चाहते थे कि क्रिएटर्स में उनकी महिला सहकलाकार का नाम उनके ऊपर आए सत्यराज को बॉलीवुड में पदार्पण करते हुए पाडुकोड़ के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था अभिनेत्री प्रिया को जनवरी 2013 में नयन तारा की जगह फिल्म में एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियां छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती हैं शुरुआत में फिल्म का शीर्षक रेड्डी स्टडी पो था हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः नामित किया गया था परियोजना का फिल्मांकन पाँच अक्टूबर दो हज़ार बारह को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और न्यूनतम चालक दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अतिरिक्त फिल्मांकन किया गया मुख्य अभिनेता के चरित्र अनौपचारिक के रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए थे नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माना शुरू करने के लिए गोवा गए वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन को कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया दूध सागर जलप्रपात के बगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांटिक सीन भी शूट किया गया था दिसंबर 2012 में चालक दल कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जा करता गया पंबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडु के मंडपम शहर को पम्बनदीप से जोड़ता और यह रामेश्वरम तेरा रास्ता ना गीत का दृश्य था जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है और ऊटी से कई स्थानों को वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में कला निर्देशन धीरेन्द्र रोहरिकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था आवश्यक सेटों को बनाने में चालीस दिन और पंद्रह लगे वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरा हुआ मुन्नार में दस दिवसीय शूटिंग शेड्यूल और अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ देवीकुलम झील पुलमला, वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए थे भारी वर्षा के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा जिसके परिणामस्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई इसमें मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था पाडुकोर ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की और खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भर ली थी फिल्म के कई तमिल संवाद हैं लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उप शीर्षक का उपयोग नहीं किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत गौरी खान करीम मोरानी रोनी स्क्रू वाला और सिद्धार्थ राय कपूर द्वारा चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था यह यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था और गीतों को विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो यो हानि सिंह द्वारा लिखे गए थे गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई ट्रैक रेडी स्टडी को नवंबर 2012 में संगीत के संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता स्कोर से तुष्ट थे, लेकिन कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया अप्रैल 2013 के मध्य में गायक एस पी बाला सुब्रमण्यम पंद्रह साल की उपस्थिति के बाद फ्लाईबैक के लिए बॉलीवुड में अपनी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया उन्होंने कहा कि गीत ने एकजुटता की भूमिका का जश्न मनाया प्रारंभ में बाला सुब्रमण्यम आंशिक थे लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना गीत एक दो तीन चार गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचारक एकल के रूप में जारी किया गया था सत्ताईस जून दो हज़ार तेरह को तितली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और ग्यारह जुलाई 2013 को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गीत अपलोड किया जिसमें हनी सिंह द्वारा गाया गया था गाने का शीर्षक था लुंगी डांस फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में थ्लाईवर से संबंधित था 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता में छोड़ू ना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था एक जुलाई 2013 को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से बारह के साथ भारत में पूर्वालोकन किया था चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी किया जाना था पेरो में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी एक्सप्रेस को मोरस्को जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों में शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से 40 प्रतिशत अधिक और सप्ताहांत पर 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स में समान रूप से लागू नहीं की गई थी यह फिल्म भारत में पैंतीस स्क्रीनों पर पच्चीस सौ पचास सिनेमाघरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात सौ स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्तरी अमेरिका में एक सौ छियानबे स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में एक सौ पचहत्तर और मध्य पूर्व में पचपन और ऑस्ट्रेलिया में तीस स्क्रीन शामिल हैं उस भिन्न तक सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज शामिल थी एक जनवरी 2013 को चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक जारी किया गया था जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया इकत्तीस सेकेंड का टाइटल ट्रैक ट्रीजर तेईस मई 2013 को रिलीज किया गया था और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था तेरह जून 2013 को मुंबई में इसके लॉन्च के दो दिन बाद यूट्यूब पर इसे चार मिलियन से अधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पाडुकोर द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की गई बिक्री में आय एक दान में दी गई थी नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंग बॉक्स एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कार ओके ऐप को 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तारक मेहता का उल्टा चश्मा मधुबाला एक इश्क ए जुनून डीआईडी सुपर मॉम्स झलक दिखला जा सिक्स और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया द जेट गिस्टल गूगल द्वारा साल के अंत में खोजे जाने वाले सबसे अधिक प्रश्नों का संकलन चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्चित विषय बताया गया था फिल्म के उपग्रह टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को चार मिलियन में बेचे गए यह समझौता फिल्म ने बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा अगर चेन्नई एक्सप्रेस ने शुद्ध रूप से एक दशमलव तीन बिलियन एकत्र किए तो उसके बाद अर्जित प्रत्येक सौ मिलियन के लिए उत्पादक को अतिरिक्त बीस मिलियन मिलेंगे इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर बीस अक्टूबर दो को जारी किया गया था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों द्वारा देखा गया था जो उच्चतम रेटिंग वाले एक्शन शो में लगभग दोगुना था इसने अपने प्रसारक जी टी को उसी महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों से शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की वंस आफान ए टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस को शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि उसी दिन चार पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ हुई थी रिलीज़ की तारीख क्रमशः पंद्रह और नौ अगस्त तक की लिए स्थगित कर दी गई थी फिल्मांकन ने अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सुखाग्रस्त सतारा जिले में धोम डैम के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए मुसीबत में पड़ गई राज्य के तहत और पुनर्वास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोचका लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पाडकोर को अत्यधिक उच्चारण वाले संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे में समान थे पाडकोर ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृत की पैरोडी नहीं करती है वह खुद सहित अधिकांश क्रू दक्षिणी भारत में है उसके बाद मैंने उसके बाद मैं कहा हम अपनी संस्कृत को क्यों धोखा देंगे इकत्तीस जुलाई दो हजार तेरह को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म विंग ने फिल्म के प्रीमियर को बाधित करने की धमकी दी इसने कथित तौर पर चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाघरों से हटाने का प्रयास किया जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है पार्टी इन खबरों में परेशान थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी जहां सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 19 जुलाई को लोकप्रिय थी एक अगस्त 2013 दो को दोनों फिल्म निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय जाधव को राज ठाकरे ने समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से नहीं हटाया जाता तो यमैन एस महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस के रिलीज पर अपिपत्त नहीं की जाएगी चेन्नई एक्सप्रेस को दस भाषाओं में जारी किया गया था उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जब इसने छः दशमलव छियानवे बिलियन एकत्र कर लिए वर्तमान में दुनिया भर में अट्ठारहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इस फिल्म ने कमाई में तीन दशमलव बानवे मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो थ्री एडियट्स ने बनाया था दुनिया भर में फिल्म की अंतिम कमाई चार सौ तेईस करोड़ थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रिव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया हिंदी संस्करण ने सड़सठ दशमलव पाँच मिलियन एकत्र किए जो थ्री एडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में दो सौ बानबे दशमलव पाँच मिलियन रुपये का संग्रह किया जिसमें यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन का सबसे ओपनिंग डे संग्रह बन गया फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए यह क्रमशः दो सौ चौसठ दशमलव तीस मिलियन और दो सौ बानबे दशमलव दस मिलियन की कमाई की और आठ सौ सत्तर दशमलव आठ मिलियन की कमाई की ये जवानी है दीवानी द्वारा स्थापित पिछले सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया चेन्नई एक्सप्रेस ने तीन दिवसीय सप्ताहांत में एक दशमलव उनसठ विलियन की कमाई करते हुए दुनिया भर में ओपनिंग ग्रास का एक और रिकॉर्ड बनाया फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और एक सौ बीस मिलियन से अधिक की कमाई की इसने एक सौ पंद्रह मिलियन की कमाई की और अपने पहले मंगलवार को शाहरुख खान की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई फिल्म ने बुधवार को एक सौ पच्चीस दशमलव साठ मिलियन की कमाई की चेन्नई एक्सप्रेस ने भी तोड़ विदेश रिकॉर्ड यूके प्रेड प्रिव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन की तुलना में अधिक संग्रह किया इस फिल्म ने विदेशी क्षेत्रों में पाँच मिलियन की कमाई के साथ शुरुआती सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसमें यूएस यूएई और यूके के प्रमुख बाजारों में रिकॉर्ड संग्रह शामिल हैं चेन्नई एक्सप्रेस ने सात दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ विदेशों में सप्ताहांत खोलने का रिकॉर्ड बनाया यह पाकिस्तान में भी सफल रहा जहां इसने रुपए एकत्र किए अपने शुरुआती सप्ताहांत में अठारह दशमलव चार मिलियन और अठारह अगस्त तक फिल्म ने कराची में बॉक्स साफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चालीस मिलियन की कमाई कर ली फिल्म ने विदेशी साजारों में केवल नौ दिनों में सात सौ बीस मिलियन कमाए और दूसरे सप्ताहांत तक इसने लगभग चौदह मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में अपने तीसरे सप्ताहांत तक लगभग सोलह मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताहांत तक फिल्म की कुल कमाई सोलह दशमलव तीन मिलियन थी इस फिल्म के आधार पर शाहरुख खान और दीपिका पाडकोड़ की फिल्म पर आधारित चेन्नई एक्सप्रेस एक्सकेप फ्रॉम रामेश्वरम नाम का एक प्लेटफॉर्म रनिंग गेम यू के डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और एंड्रॉयड सिस्टम के लिए 24 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था खेल में खिलाड़ी एक आभासी रेलर कोस्टर की सवारी करता है और गुंडों से लड़ता है और बाधाओं को चकमा देता है जबकि वे पाटकोड के खेल अवतार को अलग करने के लिए दस हज़ार से अधिक सिक्के एकत्र करने का प्रयास करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थीं बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म के बारे में लिखा कि कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस का ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की मुहर हर जगह है आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही चाहते हैं फिल्म अपने आसपास के प्रचार और होपला तक रहती है फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को पाँच सितारों में से चार स्टार का दर्जा दिया और उन्होंने कहा फिल्म हाथ से सेट के टुकड़ों और रंगीन स्थानों और गीतों से भरपूर है चेट्टी नाट शैली की मसाला फिल्मों बनाते हैं और यह इस फिल्म का सही वर्णन है यदि आप नाटकीय तत्वों के और कथा के बहुपाश आलोचना में शामिल होने की योजना न बनाएं, यह फिल्म मज़ेदारी हो सकती है न्यूयॉर्क टाइम्स के राचल साल्ट ने लिखा कि चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई शराब और स्वादिष्ट एपेटाइजर के साथ एक शानदार भोजन की तरह लगता है लेकिन एक गलत मुख्य पाठ्यक्रम है इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारे का पैसा और दृश्य देखभाल लुटाई गई है सगाई शहरुख खान और दीपिका पाठकोर लेकिन फिल्म को अपने दो घंटे और बीस मिनट के अधिक समय के लिए हाथ से और पात्रों की तलाश में एक उन्मादी कहानी में उलझी हुई है और करीम मोरानी द्वारा निर्मित है सुभाष की एक कहानी पर आधारित यूनिस सजवाल द्वारा लिखी गई पटकथा और फहद साजिद द्वारा संवाद के साथ लिखे गए हैं फिल्म में शहरुख खान हैं राहुल मिठाई वाला के रूप में एक व्यक्ति जो गलती से इसी नाम के ट्रेन में सवार हो जाता है और दीपिका पाडुकोड़ द्वारा अभिनीत एक स्थानीय डान की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा करता है निकेतन धेर और सतराज सहायक भूमिकाओं में हैं खान और शेट्टी के बीच यह पहला नियोजित सहयोग था अंगूर का में इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट जिसे शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट का रूप को चुना गया था एक व्यवसायिक रोमांस के रूप में अवधारित इस फिल्म का मूल शीर्षक रेडी स्टडी था फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था क्योंकि शहरुख खान की अक्सर फिल्म आपने अभी तक देखी होगी तो ओटी में ही सेट होती हैं जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे चेन्नई एक्सप्रेस के लिए साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा संकेतबद्ध किया गया था जिसकी पृष्ठभूमि स्कोर अमर मोहिले द्वारा बनाई गई थी 2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेश के बाद खान के साथ अपनी पहली सक्रिय परियोजना को चिन्हित करते हुए यू टी मोशन पिक्चर्स निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आए चेन्नई एक्सप्रेस को विदेशी बाजारों में 8 अगस्त 2013 को और एक दिन बाद भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएँ मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म ने घरेलू स्तर पर शुद्ध रूप से एक बिलियन एकत्र करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने थ्री एडियट्स को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई और यह अब तक की इक्कीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी है उनसठवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में चेन्नई एक्सप्रेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार रोहित शेट्टी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दीपिका पाडकोर सहित सात नामांकन प्राप्त हुए थे फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला एक चालीस वर्षीय अनाथ कुंवरा लड़का है आठ साल की उम्र में अपने दादा दादी द्वारा पाला गया है राहुल के दादा दादाबर एक व्यापारी हैं जो हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं के सवे जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बमन ने उन्हें गोवा में छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे स्वीकार कर लिया था इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर भीम्बर भी की मृत्यु हो जाती है ठीक उसी समय जब वह क्रिकेट मैच में टीवी पर सचिन को निन्यानवे रन पर आउट होते देखते हैं और उनका हार्ट फेल हो जाता है दिसंबर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि दिसंबर चाहते थे कि उनकी राख को दो भागों में विभाजित किया जाए एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा हिस्सा रामेश्वरम में वह राहुल को राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर वितर करने के लिए कहते हैं अनिच्छा से वह उनके अनुरोध को स्वीकार करता है लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक होता है राहुल बावी और वामन के साथ अपने दादा राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाता है लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा वह कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और वामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वह उन्हें लेने के लिए लौटता है तो ट्रेन लगभग छूट जाती है और जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है वह एक युवती को उसमें सवार होने के लिए दौड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चढ़ने में उसकी और चार अन्य लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन छोड़ देती है राहुल उस महिला के साथ छेड़खाने करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर संवाद करना शुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे राहुल ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार देता है ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन से फेंक दिया राहुल नाराज़ है लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि पुरुष हथियार लेकर साथ चल रहे होते हैं राहुल ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे नदी में ढकेल देते हैं घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि चार आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका असली नाम मीना लोलची मिनम्मा अजगुसुंदरम है वह तंगावल्ली नाम के एक बदमाश से जबरन शादी करने से भाग रही थी मीनाम्मा के पिता दुर्गेश्वर यानी दुर्गेश अजगु सुंदरम मीनाम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है तंगावली राहुल को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसे राहुल अनजाने में तमिल में ज्ञान की कमी के कारण स्वीकार कर लेता है दंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वह श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है पुलिस बल और आतंकवादियों के बीच एक बंदूक की लड़ाई शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में ले लेते हैं वह अपनी कहानी बताता है और कोम्बन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के धरानते चलाने वाले गुंडे से घिर जाता है और राहुल मीनाम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार टूट जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मिनम्मा के पास लौटता है जो उसे विधवा गांव ले जाती है मिनम्मा ग्रामीणों को बताती है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण लोग सहमत हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षा और आराम की व्यवस्था करा देते हैं मीनामा को पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है जब राहुल छुपके से भागने की योजना बनाता है तो वह तर्क देती है कि वह ग्रामीणों के अविश्वास को अर्जित नहीं करना चाहती तंग बल्ली राहुल को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं और मिनामा राहुल को दिसंबर की राख को फैलने के लिए राज़ी करते हैं और उनके साथ रामेश्वरम की यात्रा करते हैं, जहां वे संस्कार पूरा करते हैं और वापस आते समय रास्ते में राहुल को पता चलता है कि उसे मीनामा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं वह मीनाम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और मीनामा की इच्छा को समझने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है वह मीनाम्मा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है राहुल तंग बल्ली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया लेकिन विजयी भी हो जाता है दुर्गेश और तंगावली सुधार या स्वीकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की अनुमति देता है इसके बाद राहुल एक संदेश देते हैं कि प्रेम कोई क्षेत्र या भाषाई बाधाओं को नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से उन्नीस सौ बयासी की फिल्म अंगूर के ट्रीमक के लिए शहरुख खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया था लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस की पटकथा खान के लिए बैकअप के रूप में तैयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्मांकन की तारीखों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी पटकथा पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमिक्स से पहले इसमें अभिनय करने के लिए तैयार हो गए जिससे अंगूर की रीमिक स्थगित किया जाना था सेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोड के साथ एक हार्ड कोर फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में बताती है लगभग सिक्सटी एट मिनट के फुटेज को रिलायंस मीडिया वर्स द्वारा सी के साथ बढ़ाया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को शुरुआत में खान के लिए वेकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था खान पहले अभिनेता थे जिन्हें स्क्रिप्ट के साथ संपर्क किया गया था और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारती की भूमिका नहीं निभाएंगे मुख्य नायिका का चयन बहुत प्रेस अटकली का विषय था करीना कपूर असिन और दीपिका पाडकोर ने शामिल होने की अफवाह थी लेकिन शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अप्रैल 2012 में कलाकारों को अंतिम रूप दिया जाएगा और वह भूमिकाओं में एक स्थापित अभिनेत्री को लेने जा रहे थे अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी कि दीपिका पाडकोस को खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई खान के साथ पाडकोर की यह दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी महिला दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म में शुरुआत करते हुए खान चाहते थे कि क्रिएटर्स में उनकी महिला सहकलाकार का नाम उनके ऊपर आए सत्यराज को बॉलीवुड में पदार्पण करते हुए पाडुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था अभिनेत्री प्रिया को जनवरी 2013 में नयन तारा की जगह फिल्म में एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियां छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती हैं शुरुआत में फिल्म का शीर्षक रेड्डी स्टडी था, हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः नामित किया गया था परियोजना का फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और न्यूनतम चालक दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अतिरिक्त फिल्मांकन किया गया मुख्य अभिनेता के चरित्र अनौपचारिक के रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए थे नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माना शुरू करने के लिए गोवा गए वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन को कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया दूध सागर जलप्रपात के बगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांटिक सीन भी शूट किया गया था दिसंबर 2012 में चालक दल कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जा करता गया पंबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडु के मंडपम शहर को पम्बनदीप से जोड़ता और यह रामेश्वरम तेरा रास्ता ना गीत का दृश्य था जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है और ऊटी से कई स्थानों को वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में कला निर्देशन धीरेन्द्र रोहरिकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था आवश्यक सेटों को बनाने में चालीस दिन और पंद्रह मिलियन लगे वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरा हुआ मुन्नार में दस दिवसीय शूटिंग शेड्यूल और अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ देवीकुलम झील पुलमला, वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए थे भारी वर्षा के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई इसमें मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था पाडुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की और खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भर ली थी फिल्म के कई तमिल संवाद हैं लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उप शीर्षक का उपयोग नहीं किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत गौरी खान करीम मोरानी रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ राय कपूर द्वारा चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था यह यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था और गीतों को विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो यो हानि सिंह द्वारा लिखे गए थे गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई ट्रैक रेडी स्टडी पो नवंबर 2012 में संगीत के संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता स्कोर से तुष्ट थे, लेकिन कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया अप्रैल 2013 के मध्य में गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पंद्रह साल की उपस्थिति के बाद फ्लाईबैक के लिए बॉलीवुड में अपनी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया उन्होंने कहा कि गीत ने एकजुटता की भूमिका का जश्न मनाया प्रारंभ में बाला सुब्रमण्यम आंशिक थे लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना गीत एक दो तीन चार गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचारक एकल के रूप में जारी किया गया था सत्ताईस जून 2013 को तितली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और ग्यारह जुलाई 2013 को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गीत अपलोड किया जिसमें हनी सिंह द्वारा गाया गया था गाने का शीर्षक था लुंगी डांस फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में थ्लाईवर से संबंधित था पच्चीस जुलाई दो को तेरा रस्ता में छोड़ू ना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था एक जुलाई 2013 को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 1200 सौ के साथ भारत में पूर्वालोकन किया था चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी किया जाना था पेरो में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी एक्सप्रेस को मोरस्को जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों में शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से चालीस प्रतिशत अधिक और सप्ताहांत पर बीस प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स में समान रूप से लागू नहीं की गई थी यह फिल्म भारत में पैंतीस सौ स्क्रीनों पर पच्चीस सौ पचास सिनेमाघरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात सौ स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्तरी अमेरिका में एक सौ छियानवे स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में एक सौ पचहत्तर और मध्य पूर्व में पचपन और ऑस्ट्रेलिया में तीस स्क्रीन शामिल हैं उस दिन तक सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज शामिल थी एक जनवरी 2013 को चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक जारी किया गया था जिसमें एसपी पी बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया इकत्तीस सेकेंड का टाइटल ट्रैक ट्रीजर तेईस मई 2013 को रिलीज किया गया था और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था तेरह जून 2013 को मुंबई में इसके लॉन्च के दो दिन बाद यूट्यूब पर इसे चार मिलियन से अधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पाडुकोर द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की गई बिक्री में आय एक दान में दी गई थी नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंग बॉक्स एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कार ओके ऐप को 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तारक मेहता का उल्टा चश्मा मधुबाला एक इश्क ए जुनून डीआईडी सुपर मॉम्स झलक दिखला जा सिक्स और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया द जेट गिस्टल गूगल द्वारा साल के अंत में खोजे जाने वाले सबसे अधिक प्रश्नों का संकलन चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्चित विषय बताया गया था फिल्म के उपग्रह टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को चार सौ अस्सी मिलियन में बेचे गए यह समझौता फिल्म ने बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा अगर चेन्नई एक्सप्रेस ने शुद्ध रूप से एक दशमलव तीन बिलियन एकत्र किए तो उसके बाद अर्जित प्रत्येक सौ मिलियन के लिए उत्पादक को अतिरिक्त बीस मिलियन मिलेंगे इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर बीस 20 अक्टूबर दो को जारी किया गया था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों द्वारा देखा गया था जो उच्चतम रेटिंग वाले एक्शन शो में लगभग दोगुना था इसने अपने प्रसारक जी टी को उसी महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों से शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की वंस आफान ए टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस को शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि उसी दिन चार पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी रिलीज़ की तारीख क्रमशः पंद्रह और नौ अगस्त तक के स्थगित कर दी गई थी फिल्मांकन ने अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त सतारा जिले में धौम के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए मुसीबत में पड़ गई राज्य के तहत और पुनर्वास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोचका लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पाडकोर को अत्यधिक उच्चारण वाले संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे में समान थे पाडकोर ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृत की पैरोडी नहीं करती है वह खुद सहित अधिकांश क्रू दक्षिणी भारत में है उसके बाद मैंने उसके बाद मैं कहा हम अपनी संस्कृत को क्यों धोखा देंगे इकतीस जुलाई दो को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म विंग ने फिल्म के प्रीमियर को बाधित करने की धमकी दी इसने कथित तौर पर चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाघरों से हटाने का प्रयास किया जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है पार्टी इन खबरों में परेशान थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी जहां सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 19 जुलाई को लोकप्रिय थी एक अगस्त 2013 दो को दोनों फिल्म निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय जाधव को राज ठाकरे ने समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से नहीं हटाया जाता तो यम महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस के रिलीज पर अपिव्य नहीं की जाएगी चेन्नई एक्सप्रेस को दस भाषाओं में जारी किया गया था उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जब इसने छः दशमलव छियानवे बिलियन एकत्र कर लिए वर्तमान में दुनिया भर में अट्ठारहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इस फिल्म ने कमाई में तीन दशमलव बानवे मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो थ्री इडियट्स ने बनाया था दुनिया भर में फिल्म की अंतिम कमाई चार सौ तेईस करोड़ थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रिव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया हिंदी संस्करण ने सड़सठ दशमलव पाँच मिलियन एकत्र किए जो थ्री एडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में दो सौ बानबे दशमलव पाँच मिलियन रुपये का संग्रह किया जिसमें यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन का सबसे ओपनिंग डे संग्रह बन गया फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए यहां क्रमशः दो सौ दशमलव तीस मिलियन और दो सौ बानबे दशमलव दस मिलियन की कमाई की और आठ सौ सत्तर दशमलव आठ मिलियन की कमाई की ये जवानी है दीवानी द्वारा स्थापित पिछले सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया चेन्नई एक्सप्रेस ने तीन दिवसीय सप्ताहांत में एक दशमलव उनसठ विलियन की कमाई करते हुए दुनिया भर में ओपनिंग ग्रास का एक और रिकॉर्ड बनाया फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और एक सौ बीस मिलियन से अधिक की कमाई की इसने एक सौ पंद्रह मिलियन की कमाई की और अपने पहले मंगलवार को शाहरुख खान की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई फिल्म ने बुधवार को एक सौ मिलियन की कमाई की चेन्नई एक्सप्रेस ने भी तोड़ विदेश रिकॉर्ड यूके प्रेड प्रीव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन की तुलना में अधिक संग्रह किया इस फिल्म ने विदेशी क्षेत्रों में पाँच मिलियन की कमाई के साथ शुरुआती सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसमें यूएस यूएई और यूके के प्रमुख बाजारों में रिकॉर्ड संग्रह शामिल हैं चेन्नई एक्सप्रेस ने सात दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ विदेशों में सप्ताहांत खोलने का रिकॉर्ड बनाया यह पाकिस्तान में भी सफल रहा जहां इसने रुपए एकत्र किए अपने शुरुआती सप्ताहांत में अठारह दशमलव चार मिलियन और अठारह अगस्त तक फिल्म ने कराची में बॉक्स साफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चालीस मिलियन की कमाई कर ली फिल्म ने विदेशी बाजारों में केवल नौ दिनों में सात सौ बीस मिलियन कमाए और दूसरे सप्ताहांत तक इसने लगभग चौदह मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में अपने तीसरे सप्ताहांत तक लगभग सोलह मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताहांत तक फिल्म की कुल कमाई सोलह दशमलव तीन मिलियन थी इस फिल्म के आधार पर शाहरुख खान और दीपिका पाडकोड़ की फिल्म पर आधारित चेन्नई एक्सप्रेस एक्सकेप फ्रॉम रामेश्वरम नाम का एक प्लेटफॉर्म रनिंग गेम यू के डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और एंड्रॉयड सिस्टम के लिए 24 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था खेल में खिलाड़ी एक आभासी रेलर कोस्टर की सवारी करता है और गुंडों से लड़ता है और बाधाओं को चकमा देता है जबकि वे पाटकोड के खेल अवतार को अलग करने के लिए दस हज़ार से अधिक सिक्के एकत्र करने का प्रयास करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म के बारे में लिखा कि कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस का ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की मुहर हर जगह है आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही चाहते हैं फिल्म अपने आसपास के प्रचार और होपला तक रहती है फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को पांच सितारों में से चार स्टार का दर्जा दिया और उन्होंने कहा फिल्म हास्यपोर्ट सेट के टुकड़ों और रंगीन स्थानों और गीतों से भरपूर है चेट्टी नाट शैली की मसाला फिल्मों बनाते हैं और यह इस फिल्म का सही वर्णन है यदि आप नाटकीय तत्वों के और कथा के बहुपाश आलोचना में शामिल होने की योजना न बनाएं यह फिल्म मजेदारी हो सकती है न्यूयॉर्क टाइम्स के राचल साल्टस ने लिखा कि चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई शराब और स्वादिष्ट एपेटाइजर के साथ एक शानदार भोजन की तरह लगता है लेकिन एक गलत मुख्य पाठ्यक्रम है इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारे का पैसा और दृश्य देखभाल लुटाई गई है सगाई शहरुख खान और दीपिका पाठकोर लेकिन फिल्म को अपने दो घंटे और बीस मिनट के अधिक समय के लिए हाथ से और पात्रों की तलाश में एक उन्मादी कहानी में उलझी हुई है सेकंड का टाइटल ट्रैक ट्रीजर तेईस मई दो हज़ार तेरह को रिलीज किया गया था और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था तेरह जून दो हज़ार तेरह को मुंबई में इसके लॉन्च के दो दिन बाद यूट्यूब पर इसे चार मिलियन से अधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पाडुकोर द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की गई बिक्री में आय एक दान में दी गई थी नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंग बॉक्स एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कार ओके ऐप को 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था खान ने रियलिटी टेलीविज़न शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तारक मेहता का उल्टा चश्मा मधुबाला एक इश्क ए जुनून डीआईडी आई सुपर मॉम्स झलक दिखला जा सिक्स और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया द जेट गिस्टल गूगल द्वारा साल के अंत में खोजे जाने वाले सबसे अधिक प्रश्नों का संकलन चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्चित विषय बताया गया था फिल्म के उपग्रह टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क्स को चार सौ अस्सी मिलियन में बेचे गए यह समझौता फिल्म ने बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा अगर चेन्नई एक्सप्रेस ने शुद्ध रूप से एक दशमलव तीन बिलियन एकत्र किए तो उसके बाद अर्जित प्रत्येक सौ मिलियन के लिए उत्पादक को अतिरिक्त बीस मिलियन मिलेंगे इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर बीस 20 अक्टूबर दो हज़ार तेरह को जारी किया गया था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों द्वारा देखा गया था जो उच्चतम रेटिंग वाले फैक्शन शो में लगभग दोगुना था इसने अपने प्रसारक जी टी को उसी महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों से शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की वंस आफान ए टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस को शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि उसी दिन चार पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थीं रिलीज की तारीख क्रमशः पंद्रह और नौ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई थी फिल्मांकन ने अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त सतारा जिले में धोम डैम के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए मुसीबत में पड़ गई राज्य के तहत और पुनर्वास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोचकाकार लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पाडकोर को अत्यधिक उच्चारण वाले संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे में समान थे पाडकोर ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की पैरोडी नहीं करती है वख खुद सहित अधिकांश क्रो दक्षिणी भारत में है उसके बाद मैंने उसके बाद मैं कहा हम अपनी संस्कृत को क्यों धोखा देंगे इकतीस जुलाई दो हज़ार तेरह को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म विंग ने फिल्म के प्रीमियर को बाधित करने की धमकी दी इसने कथित तौर पर चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाघरों से हटाने का प्रयास किया जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है पार्टी इन खबरों में परेशान थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी जहां सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 19 जुलाई को लोकप्रिय थी एक अगस्त 2013 दो को दोनों फिल्म निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय जाधव को राज ठाकरे ने समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से नहीं हटाया जाता तो यम महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस के रिलीज पर नहीं की जाएगी चेन्नई एक्सप्रेस को दस भाषाओं में जारी किया गया था उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जब इसने छः दशमलव छियानवे बिलियन एकत्र कर लिए या वर्तमान में दुनिया भर में अट्ठारहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है बाक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इस फिल्म ने कमाई में तीन दशमलव बानवे मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो थ्री इडियट्स ने बनाया था दुनिया भर में फिल्म की अंतिम कमाई चार सौ तेईस करोड़ थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रिव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया हिंदी संस्करण ने सड़सठ मिलियन एकत्र किए जो थ्री एडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में दो सौ बानबे दशमलव पाँच मिलियन रुपये का संग्रह किया जिसमें यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन का सबसे ओपनिंग डे संग्रह बन गया फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए यहां क्रमशः दो सौ दशमलव तीस मिलियन और दो सौ बानबे दशमलव दस मिलियन की कमाई की आठ सौ सत्तर दशमलव आठ बिलियन की कमाई की ये जवानी है दीवानी द्वारा स्थापित पिछले सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया चेन्नई एक्सप्रेस ने तीन दिवसीय सप्ताहांत में एक दशमलव उनसठ बिलियन की कमाई करते हुए दुनिया भर में ओपनिंग ग्रास का एक और रिकॉर्ड बनाया फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और एक सौ बीस मिलियन से अधिक की कमाई की इसने एक सौ पंद्रह मिलियन की कमाई की और अपने पहले मंगलवार को शाहरुख खान की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई फिल्म ने बुधवार को एक मिलियन की कमाई की चेन्नई एक्सप्रेस ने भी तोड़ विदेश रिकॉर्ड यूके प्रेड परेड प्रिव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन की तुलना में अधिक संग्रह किया इस फिल्म ने विदेशी क्षेत्रों में पाँच मिलियन की कमाई के साथ शुरुआती सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसमें यूएस यूएई और यूके के प्रमुख बाजारों में रिकॉर्ड संग्रह शामिल हैं चेन्नई एक्सप्रेस ने सात दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ विदेशों में सप्ताहांत खोलने का रिकॉर्ड बनाया यह पाकिस्तान में भी सफल रहा जहां इसने रुपए एकत्र किए अपने शुरुआती सप्ताहांत में अट्ठारह दशमलव चार मिलियन और अठारह अगस्त तक ने कराची में बॉक्स साफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चालीस मिलियन की कमाई कर ली फिल्म ने विदेशी बाजारों में केवल नौ दिनों में सात सौ बीस मिलियन कमाए और दूसरे सप्ताहांत तक इसने लगभग चौदह मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में अपने तीसरे सप्ताहांत तक लगभग सोलह मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताहांत तक फिल्म की कुल कमाई सोलह दशमलव तीन मिलियन थी इस फिल्म के आधार पर शहरुख खान और दीपिका पाडकोड़ की फिल्म पर आधारित चेन्नई एक्सप्रेस एक्सकेप फ्रॉम रामेश्वरम नाम का एक प्लेटफॉर्म रनिंग गेम यू के डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और एंड्रॉयड सिस्टम के लिए 24 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था खेल में खिलाड़ी एक आभासी रेलर कोस्टर की सवारी करता है और गुंडों से लड़ता है और बाधाओं को चकमा देता है जबकि वे पाडकोड़ के खेल अवतार को अलग करने के लिए दस हज़ार से अधिक सिक्के एकत्र करने का प्रयास करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म के बारे में लिखा कि कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस का ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की मुहर हर जगह है आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही चाहते हैं फिल्म अपने आसपास के प्रचार और होपला तक रहती है फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को पाँच सितारों में से चार स्टार का दर्जा दिया और उन्होंने कहा फिल्म हास्यपोर्ट से सेट के टुकड़ों और रंगीन स्थानों और गीतों से भरपूर है चेट्टी नाट शैली की मसाला फिल्मों बनाते हैं और यह इस फिल्म का सही वर्णन है यदि आप नाटकीय तत्वों के और कथा के बहुपाश आलोचना में शामिल होने की योजना न बनाएं यह फिल्म मज़ेदारी हो सकती है न्यूयॉर्क टाइम्स के राचल साल्टज ने लिखा कि चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई शराब और स्वादिष्ट एपेटाइजर के साथ एक शानदार भोजन की तरह लगता है लेकिन एक गलत मुख्य पाठ्यक्रम है इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारे का पैसा और दृश्य देखभाल लुटाई गई है सगाई शहरुख खान और दीपिका पाठकोर लेकिन फिल्म को अपने दो घंटे और बीस मिनट के अधिक समय के लिए हास्य और पात्रों की बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई और यह अब तक की इक्कीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी है उनसठवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में, फिल्म में चेन्नई एक्सप्रेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार रोहित शेट्टी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दीपिका पाडकोर सहित सात नामांकन प्राप्त हुए थे फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला एक चालीस वर्षीय अनाथ कुंवरा लड़का है आठ साल की उम्र में अपने दादा दादी द्वारा पाला गया है राहुल के दादा बिसंबर एक व्यापारी हैं जो हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं भीसंबर के सवें जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बमन ने उन्हें गोवा में छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे स्वीकार कर लिया था इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर दिसंबर की मृत्यु हो जाती है ठीक उसी समय जब वह क्रिकेट मैच में टीवी पर सचिन को निन्यानवे रन पर आउट होते देखते हैं और उनका फेल हो जाता है दिसंबर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल के दादी नीतू ने राहुल को बताया कि दिसंबर चाहते थे कि उनकी राख को दो भागों में विभाजित किया जाए एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा हिस्सा रामेश्वरम में वह राहुल को राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर वितर करने के लिए कहती हैं अनिच्छा से वह उनके अनुरोध को स्वीकार करता है लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक होता है राहुल बाबी और वामन के साथ अपने दादा की राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाता है लेकिन नीतू से विदा करना चाहती है जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा वह कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और वामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वह उन्हें लेने के लिए लौटता है तो ट्रेन लगभग छूट जाती है और जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है वह एक युवती को उसमें सवार होने के लिए दौड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चढ़ने में उसकी और चार अन्य लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन छोड़ देती है राहुल उस महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर संवाद करना शुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे राहुल ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार देता है ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन से फेंक दिया राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि पुरुष हथियार लेकर साथ चल रहे होते हैं राहुल ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे नदी में ढकेल देते हैं घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि चार आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका असली नाम मीना लोलची मिनम्मा अजगु सुंदरम है वह तंगावल्ली नाम के एक बदमाश से जबरन शादी करने से भाग रही थी मीनाम्मा के पिता दुर्गेश्वर यानी दुर्गेश अजगु सुंदरम मीनाम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाते हैं और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करते हैं तंगावली राहुल को एक दंद युद्ध की चुनौती देता है जिसे राहुल अनजाने में तमिल में ज्ञान की कमी के कारण स्वीकार कर लेता है ठंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वह श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है पुलिस बल और आतंकवादियों के बीच एक बंदूक की लड़ाई शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में ले लेते हैं वह अपनी कहानी बताता है और कोम्बन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के धरानते चलाने वाले गुंडे से घिर जाता है और राहुल मिनामा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है जब टूट जाती है तो राहुल और मीनाम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मीनाम्मा के पास लौटता है जो उसे विधवा गांव ले जाती है मीनामा ग्रामीणों को बताती है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण लोग सहमत हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षा और आराम की व्यवस्था करा देते हैं मीनामा को पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है जब राहुल चुपके से भागने की योजना बनाता है तो वह तर्क देती है कि वह ग्रामीणों के अविश्वास को अर्जित नहीं करना चाहती तंग बल्ली राहुल को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं और मिनामा राहुल को भिसंबर की राख को फैलने के लिए राज़ी करते हैं और उनके साथ रामेश्वरम की यात्रा करती है जहाँ वे संस्कार पूरा करते हैं और वापस आते समय रास्ते में राहुल को पता चलता है कि उसे मीनाम्मा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं वह मीनाम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और मीनाम्मा की इच्छा को समझने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है वह मीनाम्मा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है राहुल तंग बल्ली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया लेकिन विजयी भी हो जाता है दुर्गेश और तंगा सुधार या स्वीकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की अनुमति देता है इसके बाद राहुल एक संदेश देते हैं कि प्रेम कोई क्षेत्र या भाषाई बाधाओं को नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से उन्नीस सौ बयासी की फिल्म अंगूर के रीमक के लिए शहरुख खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद सेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया था लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस की पटकथा खान के लिए बैकअप के रूप में तैयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्मांकन की तारीखों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी पटकथा पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने के लिए तैयार हो गए जिससे अंगूर की रीमेक स्थगित किया जाना था सेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोड के साथ एक हार्ड कोर व्यावसायिक फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में बताती है लगभग सिक्सटी एट मिनट के फोटेज को रिलायंस मीडिया वर्स द्वारा सीजीआई के साथ बढ़ाया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को शुरुआत में खान के लिए वेकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था खान पहले अभिनेता थे जिन्हें स्क्रिप्ट के साथ संपर्क किया गया था और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभाएंगे मुख्य नायिका का चयन बहुत प्रेस अटकली का विषय था करीना कपूर असिन और दीपिका पाडकोस ने शामिल होने की अफवाह थी लेकिन सेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अप्रैल 2012 में कलाकारों को अंतिम रूप दिया जाएगा और वह भूमिकाओं में एक स्थापित अभिनेत्री को लेने जा रहे थे अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी कि दीपिका पाडकोस को खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई खान के साथ पाडकोड़ की या दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी महिला दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म में शुरुआत करते हुए खान चाहते थे कि क्रिएटर्स में उनकी महिला सह कलाकार का नाम उनके ऊपर आए सत्यराज को वाडीवुड में पदार्पण करते हुए पाडुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था अभिनेत्री प्रिया मठ को जनवरी 2013 में नयन तारा की जगह फिल्म में एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियां छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती हैं शुरुआत में फिल्म का शीर्षक रेड्डी स्टडी पो था हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः नामित किया गया था परियोजना का फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और न्यूनतम चालक दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अतिरिक्त फिल्मांकन किया गया मुख्य अभिनेता के चरित्र अनौपचारिक के रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए थे नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माना शुरू करने के लिए गोवा गए वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन को कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया दूध सागर जलप्रपात के बगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांटिक सीन भी शूट किया गया था दिसंबर 2012 में चालक दल कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जा करता गया पम्बन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडु के मंडपम शहर को द्वीप से जोड़ता और यह रामेश्वरम तेरा रास्ता छोड़नू गीत का दृश्य था जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है और ऊटी से कई स्थानों को वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में कला निर्देशन धीरेन्द्र रोहरिकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था आवश्यक सेटों को बनाने में चालीस दिन और पंद्रह मिलियन लगे वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरा हुआ मुन्नार में दस दिवसीय शूटिंग शेड्यूल और अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ देवीकुलम झील पुलमला, वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए थे भारी वर्षा के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई इसमें मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था पाडुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की और खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भर ली थी फिल्म के कई तमिल संवाद हैं लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उप का उपयोग नहीं किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत गौरी खान करीम मोरानी रोनी वाला और सिद्धार्थ राय कपूर द्वारा चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था यह यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था और गीतों को विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो यो सिंह द्वारा लिखे गए थे गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई ट्रैक रेडी स्टडी पो नवंबर 2012 में संगीत के संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता स्कोर से तुष्ट थे लेकिन कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया अप्रैल 2013 के मध्य में गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पंद्रह साल की उपस्थिति के बाद फ्लाईबैक के लिए बॉलीवुड में अपनी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया उन्होंने कहा कि गीत ने एकजुटता की भूमिका का जश्न मनाया प्रारंभ में बाला सुब्रमण्यम आंशिक थे लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना गीत एक दो तीन चार गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचारक एकल के रूप में जारी किया गया था सत्ताईस जून दो हज़ार तेरह को तितली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और ग्यारह जुलाई दो हज़ार तेरह को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था उन्नीस जुलाई दो हज़ार तेरह को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गीत अपलोड किया जिसमें हनी सिंह द्वारा गाया गया था गाने का शीर्षक था लुंगी डांस फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में थलाइवर से संबंधित था 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता में छोड़ो ना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था एक जुलाई दो को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से बारह सौ के साथ भारत में पूर्वालोकन किया था चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जारी किया जाना था पेरो में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी एक्सप्रेस को मोरस्को जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों में शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से चालीस प्रतिशत अधिक और सप्ताहांत पर बीस प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स में समान रूप से लागू नहीं की गई थी यह फिल्म भारत में पैंतीस सौ स्क्रीनों पर पच्चीस सौ पचास सिनेमाघरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात सौ स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्तरी अमेरिका में एक स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में एक और मध्य पूर्व में पचपन और ऑस्ट्रेलिया में तीस स्क्रीन शामिल हैं उस भिन्न तक सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज शामिल थी एक जनवरी 2013 को चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक जारी किया गया था जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया इकतीस सेकंड का टाइटल ट्रैक ट्रीजर तेईस मई 2013 को रिलीज किया गया था और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था तेरह जून 2013 को मुंबई में इसके लॉन्च के दो दिन बाद यूट्यूब पर इसे चार मिलियन से अधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पाडुकोर द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की गई बिक्री में आय एक दान में दी गई थी नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंग बॉक्स एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कार ओके ऐप को 2 अगस्त 2013 तो को एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था खान ने रियलिटी टेलीविज़न शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तारक मेहता का उल्टा चश्मा मधुबाला एक इश्क ए जुनून डीआईडी सुपर मॉम्स झलक दिखला जा सिक्स और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया द जेट गिस्टल गूगल द्वारा साल के अंत में खोजे जाने वाले सबसे अधिक प्रश्नों का संकलन चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्चित विषय बताया गया था फिल्म के उपग्रह टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को चार सौ अस्सी मिलियन में बेचे गए यह समझौता फिल्म ने बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा अगर चेन्नई एक्सप्रेस ने शुद्ध रूप से दशमलव तीन बिलियन एकत्र किए तो उसके बाद अर्जित प्रत्येक सौ मिलियन के लिए उत्पादक को अतिरिक्त मिलियन मिलेंगे। इस फिल्म का टेलीविजन 20 अक्टूबर दो हजार तेरह को जारी किया गया था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों द्वारा देखा गया था जो उच्चतम रेटिंग वाले फैक्शन शो में लगभग दोगुना था इसने अपने प्रसारक जी टीवी को उसी महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों से शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की वंस टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस को शुरू में पाकिस्तानी और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि उसी दिन चार पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी रिलीज की तारीख क्रमशः पंद्रह और नौ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई थी फिल्मांकन ने अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सुखाग्रस्त सतारा जिले में धोम डैम के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए मुसीबत में पड़ गई राज्य के तहत और पुनर्वास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोचकाकार लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पाडकोड़ को अत्यधिक उच्चारण वाले संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे में समान थे पाडकोल ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृत की पैरोडी नहीं करती है वह खुद सहित अधिकांश क्रू दक्षिणी भारत में है उसके बाद मैंने उसके बाद में कहा हम अपनी संस्कृत को क्यों धोखा देंगे इकतीस जुलाई दो हज़ार तेरह को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म विंग ने फिल्म के प्रीमियर को बाधित करने की धमकी दी इसने कथित तौर पर चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाघरों से हटाने का प्रयास किया जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है पार्टी इन खबरों में परेशान थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी जहां सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 19 जुलाई को लोकप्रिय थी एक अगस्त 2013 को दोनों फिल्म निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय जाधव को राज ठाकरे ने समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से नहीं हटाया जाता तो यमैन महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर अपिपत नहीं की जाएगी चेन्नई एक्सप्रेस को दस भाषाओं में जारी किया गया था उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जब इसने छः दशमलव छियानवे बिलियन एकत्र कर लिए वर्तमान में दुनिया भर में अट्ठारहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इस फिल्म ने कमाई में तीन दशमलव बानवे मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो थ्री इडियट्स ने बनाया था दुनिया भर में फिल्म की अंतिम कमाई चार सौ तेईस करोड़ थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रिव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया हिंदी संस्करण ने सड़सठ दशमलव पाँच मिलियन एकत्र किए जो थ्री इडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में दो सौ बानबे दशमलव पाँच मिलियन रुपये का संग्रह किया जिसमें यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन का सबसे ओपनिंग डे संग्रह बन गया फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए यहां क्रमशः दो मिलियन और दो सौ मिलियन की कमाई की और आठ सौ बिलियन की कमाई की ये जवानी है दीवानी द्वारा स्थापित पिछले सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया चेन्नई एक्सप्रेस ने तीन दिवसीय सप्ताहांत में एक दशमलव उनसठ की कमाई करते हुए दुनिया भर में ओपनिंग ग्रास का एक और रिकॉर्ड बनाया फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और 120 मिलियन से अधिक की कमाई की इसने 115 मिलियन की कमाई की और अपने पहले मंगलवार को शाहरुख खान की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई फिल्म ने बुधवार को एक साठ मिलियन की कमाई की चेन्नई एक्सप्रेस ने भी तोड़ विदेश रिकॉर्ड यूके के प्रिव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन की तुलना में अधिक संग्रह किया इस फिल्म ने विदेशी क्षेत्रों में पाँच सत्तर मिलियन की कमाई के साथ शुरुआती सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसमें यूएस यू और यूके के प्रमुख बाजारों में रिकॉर्ड संग्रह शामिल हैं चेन्नई एक्सप्रेस ने सात दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ विदेशों में सप्ताहांत खोलने का रिकॉर्ड बनाया यह पाकिस्तान में भी सफल रहा जहां इसने रुपए एकत्र किए अपने शुरुआती सप्ताहांत में अट्ठारह दशमलव चार मिलियन और 18 अगस्त तक फिल्म ने कराची में बॉक्स साफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चालीस मिलियन की कमाई कर ली फ़िल्म ने विदेशी बाजारों में केवल नौ दिनों में सात सौ बीस मिलियन कमाए और दूसरे सप्ताहांत तक इसने लगभग चौदह मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में अपने तीसरे सप्ताहान तक लगभग सोलह मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताहान तक फिल्म की कुल कमाई सोलह दशमलव तीन मिलियन थी इस फिल्म के आधार पर शहरुख खान और दिल किन विजयी भी हो जाता है दुर्गेश और तंगावली सुधार या स्वीकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की अनुमति देता है इसके बाद राहुल एक संदेह देते हैं कि प्रेम कोई क्षेत्र या भाषाई बाधाओं को नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से उन्नीस की फिल्म अंगूर के रीमक के लिए शहरुख खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद सेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया था लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस की पटकथा खान के लिए बैकअप के रूप में तैयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्मांकन की तारीखों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी पटकथा पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने के लिए तैयार हो गए जिससे अंगूर की रीमिक स्थगित किया जाना था सेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोड के साथ एक हार्ड कोर व्यावसायिक फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में बताती है लगभग सिक्सटी एट मिनट के फोटेज को रिलायंस मीडिया वर्स द्वारा सीज़ीआई के साथ बढ़ाया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को शुरुआत में खान के लिए वेकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था खान पहले अभिनेता थे जिन्हें स्क्रिप्ट के साथ संपर्क किया गया था और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभाएंगे मुख्य नायिका का चैन बहुत प्रेस अटकली का विषय था करीना कपूर असिन और दीपिका पाडकोस ने शामिल होने की अफवाह थी लेकिन सेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अप्रैल 2012 में कलाकारों को अंतिम रूप दिया जाएगा और वह भूमिकाओं में एक स्थापित अभिनेत्री को लेने जा रहे थे अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी कि दीपिका पाडकोस को खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई खान के साथ पाडकोड़ की या दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी महिला दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआत करते हुए खान चाहते थे कि क्रिएटर्स में उनकी महिला कलाकार का नाम उनके ऊपर आए सतराज को बॉलीवुड में पदार्पण करते हुए पाडुकोड़ के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था अभिनेत्री प्रिया मठ को जनवरी 2013 में नयन तारा की जगह फिल्म में एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियाँ छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती हैं शुरुआत में फ़िल्म का शीर्षक रेड्डी स्टडी पो था हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फ़िल्म को टैगलाइन के रूप में नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः नामित किया गया था परियोजना का फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और न्यूनतम चालक दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अतिरिक्त फिल्मांकन किया गया मुख्य अभिनेता के चरित्र अनौपचारिक के रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए थे नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माना शुरू करने के लिए गोवा गए वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन को कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया दूध सागर जलप्रपात के बगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांटिक सीन भी शूट किया गया था दिसंबर 2012 में चालक दल कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जा करता गया पंबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडु के मंडपम शहर को पंबनदीप से जोड़ता और यह रामेश्वरम तेरा रास्ता छोड़नू नागीत का दृश्य था जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है और ऊटी से कई स्थानों को वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में कला निर्देशन धीरेन्द्र रोहरिकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था आवश्यक सेटों को बनाने में चालीस दिन और पंद्रह मिलियन लगे वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरा हुआ मुन्नार में दस दिवसीय शूटिंग शेड्यूल और अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ देवीकुलम झील मिसापुलमला वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए थे भारी वर्षा के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई इसमें मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था पाडुकोर ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की और खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भर ली थी फिल्म के कई तमिल संवाद हैं लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत गौरी खान करीम मोरानी रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ राय कपूर द्वारा चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था यह यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था और गीतों को विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो यो हानि सिंह द्वारा लिखे गए थे गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई ट्रैक रेडी स्टडी को नवंबर 2012 में संगीत के संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता स्कोर से तुष्ट थे लेकिन कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया अप्रैल 2013 के मध्य में गायक एस पी बाला सुब्रमण्यम पंद्रह साल की उपस्थिति के बाद फ्लाईबैक के लिए बॉलीवुड में अपनी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया उन्होंने कहा कि गीत ने एकजुटता की भूमिका का जश्न मनाया प्रारंभ में बाला सुब्रमण्यम आंशिक थे लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना गीत एक दो तीन चार गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचारक एकल के रूप में जारी किया गया था सत्ताईस जून 2013 को तितली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और ग्यारह जुलाई 2013 को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था उन्नीस जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गीत अपलोड किया जिसमें हनी सिंह द्वारा गाया गया था गाने का शीर्षक था लुंगी डांस फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में थलाइवर से संबंधित था 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता में छोड़ू ना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था एक जुलाई 2013 को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 सौ के साथ भारत में पूर्वालोकन किया था चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में जारी किया जाना था पेरो में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी एक्सप्रेस को मोरस्को जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और इजराइल में में भी जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों में शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से चालीस प्रतिशत अधिक और सप्ताहांत पर बीस प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स में समान रूप से लागू नहीं की गई थी यह फिल्म भारत में पैंतीस सौ स्क्रीनों पर पच्चीस सौ पचास सिनेमाघरों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सात सौ स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्तरी अमेरिका में एक सौ स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में एक सौ पचहत्तर और मध्य पूर्व में पचपन और ऑस्ट्रेलिया में तीस स्क्रीन शामिल हैं उत्तरक के रूप में बोर्ड पर आए चेन्नई एक्सप्रेस को विदेशी बाज़ारों में आठ अगस्त दो हज़ार तेरह को और एक दिन बाद भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म ने घरेलू स्तर पर शुद्ध रूप से एक बिलियन एकत्र करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने थ्री एडियट्स को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई और यह अब तक की इक्कीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी है उनसठवें फेयर पुरस्कारों में चेन्नई एक्सप्रेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार रोहित शेट्टी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दीपिका पाडकोर सहित सात नामांकन प्राप्त हुए थे फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाला एक चालीस वर्षीय अनाथ कुमारा लड़का है आठ साल की उम्र में अपने दादा दादी द्वारा पाला गया है राहुल के दादा दिसंबर एक व्यापारी हैं जो हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं दिसंबर के सवें जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बमन ने उन्हें गोवा में छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे स्वीकार कर लिया था इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर दिसंबर की मृत्यु हो जाती है ठीक उसी समय जब वह क्रिकेट मैच में टीवी पर सचिन को निन्यानवे रन पर आउट होते देखते हैं और उनका फेल हो जाता है दिसंबर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि दिसंबर चाहते थे कि उनकी राख को दो भागों में विभाजित किया जाए एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा हिस्सा रामेश्वरम में वह राहुल को राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर वितर करने के लिए कहते हैं अनिच्छा से वह उनके अनुरोध को स्वीकार करता है लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक होता है राहुल बावी और वामन के साथ अपने दादा राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाता है लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा वह कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और वामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वह उन्हें लेने के लिए लौटता है तो ट्रेन लगभग छूट जाती है और जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है वह एक युवती को उसमें सवार होने के लिए दौड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चढ़ने में उसकी और चार अन्य लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन छोड़ देती है राहुल उस महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर संवाद करना शुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे राहुल ने उसे अपना मोबाइल फोन उधार देता है ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन से फेंक दिया राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि पुरुष हथियार लेकर साथ चल रहे होते हैं राहुल ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे नदी में ढकेल देते हैं घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि चार आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका असली नाम मीना लोलची मिनम्मा अजगु सुंदरम है वह तंगावल्ली नाम के एक बदमाश से जबरन शादी करने से भाग रही थी मिनम्मा के पिता दुर्गेश्वर यानी दुर्गेश अजगु सुंदरम राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है तंगावली राहुल को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसे राहुल अनजाने में तमिल में ज्ञान की कमी के कारण स्वीकार कर लेता है दंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वह श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज़ पर समाप्त हो जाता है पुलिस बल और आतंकवादियों के बीच एक बंदूक की लड़ाई शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में ले लेते हैं वह अपनी कहानी बताता है और कोम्बन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के धरानते चलाने वाले गुंडे से घिर जाता है और राहुल मिनामा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार टूट जाती है तो राहुल और मीनाम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मीनाम्मा के पास लौटता है जो उसे विधवा गांव ले जाती है मीनाम्मा ग्रामीणों को बताती है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण लोग सहमत हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षा और आराम की व्यवस्था करा देते हैं मीनामा को पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है जब राहुल चुपके से भागने की योजना बनाता है तो वह तर्क देती है कि वह ग्रामीणों के अविश्वास को अर्जित नहीं करना चाहती तंग बल्ली राहुल को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं और मीनाम्मा राहुल को दिसंबर की राख को फैलने के लिए राज़ी करते हैं और उनके साथ रामेश्वरम की यात्रा करते हैं जहां वे संस्कार पूरा करते हैं और वापस आते समय रास्ते में राहुल को पता चलता है कि उसे मीनाम्मा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहां जा रहे हैं वह मीनाम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और मिनामा की इच्छा को समझने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है वह मिनामा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है राहुल तंग बल्ली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया लेकिन विजयी भी हो जाता है दुर्गेश और तंगा सुधार या स्वीकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की अनुमति देता है इसके बाद राहुल एक संदेश देते हैं कि प्रेम कोई क्षेत्र या भाषाई बाधाओं को नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से उन्नीस सौ बयासी की फिल्म अंगूर के रीमक के लिए शाहरुख खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद सेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया था लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस की पटकथा खान के लिए बैकअप के रूप में तैयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्मांकन की तारीखों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी पटकथा पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमिक्स से पहले इसमें अभिनय करने के लिए तैयार हो गए जिससे अंगूर की रीमेक स्थगित किया जाना था सेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोड के साथ एक हार्ड कोड व्यावसायिक फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में बताती है लगभग सिक्सटी एट मिनट के फोटेज को रिलायंस मीडिया वर्स द्वारा सीजीआई के साथ बढ़ाया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को शुरुआत में खान के लिए वेकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था खान पहले अभिनेता थे जिन्हें स्क्रिप्ट के साथ संपर्क किया गया था और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे रोहित तो सेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारती की भूमिका नहीं निभाएंगे मुख्य नायिका का चयन बहुत प्रेस अटकली का विषय था करीना कपूर असिन और दीपिका पाडकोष ने शामिल होने की अफवाह थी लेकिन शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अप्रैल 2012 में कलाकारों को अंतिम रूप दिया जाएगा और वह भूमिकाओं में एक स्थापित अभिनेत्री को लेने जा रहे थे अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी कि दीपिका पाडकोस को खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई खान के साथ पाडकोर की यह दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी महिला दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म में शुरुआत करते हुए खान चाहते थे कि क्रिएटर्स में उनकी महिला सह कलाकार का नाम उनके ऊपर आए सत्यराज को बॉलीवुड में पदार्पण करते हुए पाडुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था अभिनेत्री प्रिया मठ को जनवरी 2013 में नयन तारा की जगह फिल्म में एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियां छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती हैं शुरुआत में फिल्म का शीर्षक रेड्डी स्टडी था, हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः नामित किया गया था परियोजना का फिल्मांकन पाँच अक्टूबर दो को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और न्यूनतम चालक दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अतिरिक्त फिल्मांकन किया गया मुख्य अभिनेता के चरित्र अनौपचारिक के रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए थे नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माना शुरू करने के लिए गोवा गए वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन को कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया दूध सागर जलप्रपात के बगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांटिक सीन भी शूट किया गया था दिसंबर 2012 में चालक दल कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जा करता गया पंबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडु के मंडपम शहर को पम्बनदीप से जोड़ता और यह रामेश्वरम तेरा रास्ता ना गीत का दृश्य था जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है और ऊटी से कई स्थानों को वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में कला निर्देशन धीरेन्द्र रोहरिकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था आवश्यक सेटों को बनाने में चालीस दिन और पंद्रह मिलियन लगे वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरा हुआ मुन्नार में दस दिवसीय शूटिंग शेड्यूल और अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ देवीकुलम झील पुलमला, वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए थे भारी वर्षा के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई इसमें मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था पाडुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की और खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भर ली थी फिल्म के कई तमिल संवाद हैं लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत गौरी खान करीम मोरानी रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ राय कपूर द्वारा चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था यह यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था और गीतों को विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो यो सिंह द्वारा लिखे गए थे गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई ट्रैक रेडी स्टडी पो नवंबर 2012 में संगीत के संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता स्कोर से तुष्ट थे लेकिन कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया अप्रैल 2013 के मध्य में गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पंद्रह साल की उपस्थिति के बाद फ्लाईबैक के लिए बॉलीवुड में अपनी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया उन्होंने कहा कि गीत ने एकजुटता की भूमिका का जश्न मनाया प्रारंभ में बाला सुब्रमण्यम आंशिक थे लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना गीत एक दो तीन चार गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचारक एकल के रूप में जारी किया गया था सत्ताईस जून 2013 को तितली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और ग्यारह जुलाई 2013 को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गीत अपलोड किया जिसमें हनी सिंह द्वारा गाया गया था गाने का शीर्षक था लुंगी डांस फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में थलाइवर से संबंधित था 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता में छोड़ू ना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था एक जुलाई 2013 को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 सौ के साथ भारत में पूर्वालोकन किया था चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी किया जाना था पेरो में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी एक्सप्रेस को मोरस्को जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और इजराइल में में भी जारी किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों में शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से चालीस प्रतिशत अधिक और सप्ताहांत पर बीस प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स में समान रूप से लागू नहीं की गई थी यह फिल्म भारत में पैंतीस सौ स्क्रीनों पर पच्चीस सौ पचास सिनेमाघरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात सौ स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्तरी अमेरिका में एक सौ छियानबे स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में एक सौ पचहत्तर और मध्य पूर्व में पचपन और ऑस्ट्रेलिया में तीस स्क्रीन शामिल हैं उस बिंदु तक सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज शामिल थी एक जनवरी 2013 को चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक जारी किया गया था जिसमें एस पी बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया इकतीस सेकेंड का टाइटल ट्रैक ट्रीजर तेईस मई 2013 को रिलीज किया गया था और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था तेरह जून 2013 को मुंबई में इसके लॉन्च के दो दिन बाद यूट्यूब पर इसे चार मिलियन से अधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पाडुकोर द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की गई बिक्री में आय एक दान में दी गई थी नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंग बॉक्स एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कारओके ऐप को 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था खान ने रियलिटी टेलीविज़न शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तारक मेहता का उल्टा चश्मा मधुबाला एक इश्क ए जुनून डीआईडी सुपर मॉम्स झलक दिखला जा सिक्स और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया द जेट गिस्टल गूगल द्वारा साल के अंत में खोजे जाने वाले सबसे अधिक प्रश्नों का संकलन चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्चित विषय बताया गया था फिल्म के उपग्रह टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को चार सौ अस्सी मिलियन में बेचे गए यह समझौता फिल्म ने बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा अगर चेन्नई एक्सप्रेस ने शुद्ध रूप से एक दशमलव तीन बिलियन एकत्र किए तो उसके बाद अर्जित प्रत्येक सौ मिलियन के लिए उत्पादक को अतिरिक्त बीस मिलियन मिलेंगे इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर बीस 20 अक्टूबर दो हजार तेरह को जारी किया गया था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों द्वारा देखा गया था जो उच्चतम रेटिंग वाले फैक्शन शो में लगभग दोगुना था इसने अपने प्रसारक जी टी वी को उसी महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों से शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की वंस आफान ए टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस को शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि उसी दिन चार पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी रिलीज की तारीख क्रमशः पंद्रह और नौ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई थी फिल्मांकन ने अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त सतारा जिले में धोम डैम के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए मुसीबत में पड़ गई राज्य के दहत और पुनर्वास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोचकाकार लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी उन्होंने कहा पाडकोर को अत्यधिक उच्चारण वाले संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे में समान थे पाडकोर ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृत की पैरोडी नहीं करती है वह खुद सहित अधिकांश क्रूर दक्षिणी भारत में है उसके बाद मैंने उसके बाद मैं कहा हम अपनी संस्कृत को क्यों धोखा देंगे इकतीस जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म विंग ने फिल्म के प्रीमियर को बाधित करने की धमकी दी इसने कथित तौर पर चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाघरों से हटाने का प्रयास किया जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है पार्टी इन खबरों में परेशान थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी जहां सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 19 जुलाई को लोकप्रिय थी एक अगस्त 2013 को दोनों फिल्म निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय जाधव को राज ठाकरे ने समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से नहीं हटाया जाता तो यमैन महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर अप नहीं की जाएगी चेन्नई एक्सप्रेस को दस भाषाओं में जारी किया गया था उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जब इसने छः दशमलव छियानवे बिलियन एकत्र कर लिए वर्तमान में दुनिया भर में अट्ठारहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इस फिल्म ने कमाई में तीन दशमलव बानवे मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो थ्री इडियट्स ने बनाया था दुनिया भर में फिल्म की अंतिम कमाई चार सौ तेईस करोड़ थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रिव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया हिंदी संस्करण ने सड़सठ दशमलव पाँच मिलियन एकत्र किए जो थ्री ईडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में दो सौ बानबे दशमलव पाँच मिलियन रुपये का संग्रह किया जिसमें यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन का सबसे ओपनिंग डे संग्रह बन गया फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए यहाँ क्रमशः दो सौ चौंसठ दशमलव तीस मिलियन और दो सौ बानबे दशमलव दस मिलियन की कमाई की और आठ सौ सत्तर दशमलव आठ की कमाई की ये जवानी है दीवानी द्वारा स्थापित पिछले सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया चेन्नई एक्सप्रेस ने तीन दिवसीय सप्ताहांत में एक दशमलव उनसठ की कमाई करते हुए दुनिया भर में ओपनिंग ग्रास का एक और रिकॉर्ड बनाया फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और 120 मिलियन से अधिक की कमाई की इसने 115 मिलियन की कमाई की और अपने पहले मंगलवार को शाहरुख खान की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई फिल्म ने बुधवार को एक मिलियन की कमाई की चेन्नई एक्सप्रेस ने भी तोड़ विदेश रिकॉर्ड यूके के प्रिव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन की तुलना में अधिक संग्रह किया इस फिल्म ने विदेशी क्षेत्रों में पाँच मिलियन की कमाई के साथ शुरुआती सप्ताहांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसमें यूएस यूएई और यूके के प्रमुख बाजारों में रिकॉर्ड संग्रह शामिल हैं चेन्नई एक्सप्रेस ने सात दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ विदेशों में सप्ताहांत खोलने का रिकॉर्ड बनाया यह पाकिस्तान में भी सफल रहा जहां इसने रुपए एकत्र किए अपने शुरुआती सप्ताहांत में अट्ठारह दशमलव चार मिलियन और अट्ठारह अगस्त तक फिल्म ने कराची में बॉक्स साफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चालीस मिलियन की कमाई कर ली फिल्म ने विदेशी बाजारों में केवल नौ दिनों में सात सौ बीस मिलियन कमाए और दूसरे सप्ताहांत तक इसने लगभग चौदह मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में अपने तीसरे सप्ताहांत तक लगभग सोलह मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताहांत तक फिल्म की कुल कमाई सोलह दशमलव तीन मिलियन थी इस फिल्म के आधार पर शहरुख खान और दीपिका पाडकोड़ की फिल्म पर आधारित चेन्नई एक्सप्रेस एक्सकेप फ्रॉम रामेश्वरम नाम का एक प्लेटफॉर्म रनिंग गेम यू के डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और एंड्रॉयड सिस्टम के लिए 24 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था खेल में खिलाड़ी एक आभासी रेलर कोस्टर की सवारी करता है और गुंडों से लड़ता है और बाधाओं को चकमा देता है जबकि वे पाटकोड़ के खेल अवतार को अलग करने के लिए दस हजार से अधिक सिक्के एकत्र करने का प्रयास करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म के बारे में लिखा कि कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस का ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की मुहर हर जगह है आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही चाहते हैं फिल्म अपने आसपास के प्रचार और होपला तक रहती है फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को पाँच सितारों में से तो फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ राय कपूर गौरी खान और करीम मोरानी द्वारा निर्मित है सुभाष की एक कहानी पर आधारित यूनिस सजवाल द्वारा लिखी गई पटकथा और फहद साजिद द्वारा संवाद के साथ लिखे गए हैं फिल्म में शाहरुख खान हैं राहुल मिठाई वाला के रूप में एक व्यक्ति जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और दीपिका पाडकोड़ द्वारा अभिनीत एक स्थानीय डान की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा करता है निकेतन धेर और सत्यराज सहायक भूमिका में हैं खान और सेट्टी के बीच यह पहला नियोजित सहयोग था अंगूर रीमेक इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट जिसे शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट का रूप को चुना गया था एक व्यवसायिक रोमांस के रूप में अवधारित इस फिल्म का मूल शीर्षक रेडी स्टडी था फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था क्योंकि शाहरुख खान की अक्सर फिल्म आपने अभी तक देखी होगी तो ओटी में ही सेट होती हैं जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे चेन्नई एक्सप्रेस के लिए साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा संकेतबद्ध किया गया था जिसकी पृष्ठभूमि स्कोर अमर मोहिले द्वारा बनाई गई थी 2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेश के बाद खान के साथ अपनी पहली सक्रिय परियोजना को चिन्हित करते हुए यूटीवी मोशन पिक्चर्स निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आए चेन्नई एक्सप्रेस को विदेशी बाजारों में 8 अगस्त 2013 को और एक दिन बाद भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएँ मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म ने घरेलू स्तर पर शुद्ध रूप से एक बिलियन एकत्र करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने थ्री एडियट्स को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई और यह अब तक की इक्कीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी है उनसठवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में चेन्नई एक्सप्रेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार रोहित शेट्टी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दीपिका पाडकोर सहित सात नामांकन प्राप्त हुए थे फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाला एक चालीस वर्षीय अनाथ कुमारा लड़का है आठ साल की उम्र में अपने दादा दादी द्वारा पाला गया है राहुल के दादा भिसंबर एक व्यापारी हैं जो हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं भिसंबर के सवें जन्मदिन समारोह से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बमन ने उन्हें गोवा में छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे स्वीकार कर लिया था इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर भिसंबर की मृत्यु हो जाती है ठीक उसी समय जब वह क्रिकेट मैच में टीवी पर सचिन को निन्यानवे रन पर आउट होते देखते हैं और उनका हार्ट फेल हो जाता है दिसंबर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि दिसंबर चाहते थे कि उनकी राख को दो भागों में विभाजित किया जाए एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा हिस्सा रामेश्वरम में वह राहुल को राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर वितर करने के लिए कहते हैं अनिच्छा से वह उनके अनुरोध को स्वीकार करता है लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक होता है राहुल बावी और वामन के साथ अपने दादा की को गोवा में फेंकने की योजना बनाता है लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा वह कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और वामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वह उन्हें लेने के लिए लौटता है तो ट्रेन लगभग छूट जाती है और जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है वह एक युवती को उसमें सवार होने के लिए दौड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चढ़ने में उसकी और चार अन्य लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन छोड़ देती है राहुल उस महिला के साथ छेड़खाने करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर संवाद करना शुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे राहुल ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार देता है ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन से फेंक दिया राहुल नाराज़ है लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि पुरुष हथियार लेकर साथ चल रहे होते हैं राहुल ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे नदी में ढकेल देते हैं घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि चार आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका असली नाम मीना लोलची मिनम्मा अजगु सुंदरम है वह तंगावल्ली नाम के एक बदमाश से जबरन शादी करने से भाग रही थी मीनाम्मा के पिता दुर्गेश्वर यानी दुर्गेश अजगु सुंदरम मीनाम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है तंगावली राहुल को एक युद्ध की चुनौती देता है जिसे राहुल अनजाने में तमिल में ज्ञान की कमी के कारण स्वीकार कर लेता है ठंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वह श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है पुलिस बल और आतंकवादियों के बीच एक बंदूक की लड़ाई शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में ले लेते हैं वह अपनी कहानी बताता है और कोम्बन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के धरानते चलाने वाले गुंडे से घिर जाता है और राहुल मीनाम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार टूट जाती है तो राहुल और मीनामा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मीनामा के पास लौटता है जो उसे विधवा गांव ले जाती है मीनामा ग्रामीणों को बताती है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण लोग सहमत हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षा और आराम की व्यवस्था करा देते हैं मीनामा को पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है जब राहुल चुपके से भागने की योजना बनाता है तो वह तर्क देती है कि वह ग्रामीणों के अविश्वास को अर्जित नहीं करना चाहती तंग बल्ली राहुल को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं और मिनामा राहुल को दिसंबर की राख को फैलने के लिए राज़ी करते हैं और उनके साथ रामेश्वरम की यात्रा करती है जहां वे संस्कार पूरा करते हैं और वापस आते समय रास्ते में राहुल को पता चलता है कि उसे मीनाम्मा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं वह मिनम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और मिनम्मा की इच्छा को समझने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है वह मिनम्मा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है